सो वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वॉचिंग एच सी गेमिंग। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि रॉग हाइस्ट जो गेम है काफ़ी टाइम से अटका हुआ था प्ले स्टोर पर, यहाँ पर अभी आ चुका है। आप ऑफिशियली जाकर देख सकते हो, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। गेम का साइज़ ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 GB के आसपास है, पूरा 1 GB भी नहीं है, 970 MB समथिंग ऐसे ही दिखा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स वगैरह है, काफ़ी सारे मोड्स वगैरह हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गन्स वगैरह भी काफ़ी सारी दी हुई हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा सा मैं गेम प्ले टाइप में आपको दिखाऊंगा, और अगर आप इस गेम के बारे में फुल एक्सप्लेन वीडियो, डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो मैं एक और वीडियो कल आपके लिए बना दूंगा जिसमें एक एक ऑप्शन सारी चीजों के बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाल दूंगा कि आप चाहते हैं वो वीडियो या नहीं, तो उस पर आप यस और नो कर सकते हो। और यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे इमोट्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई हैं और काफ़ी स्टेबल गेम है। यहाँ पर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देख सकते हो, कंट्रोल्स वगैरह है, लेआउट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसके बारे में मैं सेकेंड वीडियो में बताऊँगा। सो MPL वालों द्वारा बनाया गया है यहाँ, और मतलब इंडिया का है, तो सबसे बड़ी बात है यार, इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट शूटिंग गेम लॉन्च कर दिया। और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना कि इंडिया का गेम कैसा हो सकता है, उस मायनों में ये खरा नहीं, बहुत खरा उतरा है। मतलब मेरे को नहीं लगा था यार कि इतना अच्छा गेम इंडिया वाले बना सकते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा यार कि मतलब थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, जब फ्री फायर 500-600 MB में इतना टॉप का गेम है, तो ये तो जस्ट एक मल्टीप्लेयर टाइप का गेम है, MP जैसे हमारे कॉड मोबाइल में होता है, तो सेम वैसा ही है, इसमें BR का लोचा नहीं है, तो ये उससे काफ़ी बेहतर बन सकता है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ अर्ली एक्सेस में है, तो अर्ली एक्सेस में सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, और आप इसमें फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, आपको जो भी कमी लगे। वैसे कमी सीरियसली मुझे कोई कमी लगी ही नहीं कि मैं फीडबैक दूं कि भाई आपको गेम में ये चीज़ सही करनी चाहिए, तो कोई कमी नहीं लगी है, बस थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए उन्हें, थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक टाइप इस तरीके का कुछ करना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो, मतलब गेम ज़्यादा हाइयर डिवाइस नहीं मांगता है, आप लोअर डिवाइस भी होगा आपका, लगभग 2 GB रैम तो आप अब सबके पास होती है, तो उसमें बहुत मक्खन माफिक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्राफिक्स बिल्कुल हाई वगैरह कर दिए थे, फ्रेम रेट भी वेरी हाई कर दिया, दोनों चीज़ें फ्रेम रेट और ग्राफिक्स वेरी हाई कर दिया था। सेंसिटिविटी मैंने अभी रखी नहीं थी ज़्यादा, मैंने चेंज करी नहीं थी, मैंने कहा पहले एक बार गेम प्ले देख लिया जाए उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गन भी काफ़ी सारी है, उनकी पावर वगैरह दिखाई गई है, यहाँ पर गन अपग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड करने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर मोड्स वगैरह आप देख सकते हो, तीन तरीके एक्चुअली दिखाए गए हैं, उसके बाद एक AI वर्जन है। तो अभी लोगों ने डाउनलोड्स नहीं किया है प्ले स्टोर पर, जस्ट अभी जब मैंने देखा था तो 500 डाउनलोड दिखा रहा था, ओनली 500 लोग ही डाउनलोड किए हुए थे, तो भाई मैच मेकिंग होना तो लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने AI वाला खेला था, जो बॉट्स वगैरह जो कंप्यूटर से आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पर ग्राफिक्स की अगर बात करें तो यार वेरी आई में बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है, मतलब लेआउट मैंने सेट नहीं किया हुआ है, तो बटन्स जैसे कि अब आदत नहीं है तो छोटे हैं। यहाँ पर गन फायर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हिप फायर बहुत अच्छा है, और ADS भी मुझे ठीक ठाक लगा, काफ़ी अच्छा स्कोप ऑन करता है, उसके बाद स्कोप इन करने के बाद जो मारता है वो भी काफ़ी अच्छा था, सब कुछ मुझे परफेक्ट लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मरने का स्टाइल है वो भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया गया, तो काफ़ी अच्छा है गेम। इस वाले मोड में ये है कि भाई ऊपर आप टाइम देख सकते हो, तो जिसके ज़्यादा किल्स होंगे उतने टाइम में वही जीतेगा, तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन भी अच्छे खासे दिए गए हैं, जैसे कि बीच में जो आप देख सकते हो ऑप्शन है उसमें एक तरह से ये स्कैन कर देता है पूरे मैप को, और जहाँ जहाँ बंदे होंगे वहाँ वहाँ पॉइंटर दिखा देगा। तो जैसे कि मैंने करा तो इंफ्रारेड करके ये आ गया, और यहाँ पर मुझे पॉइंट से दिखाई देने लग गए थे मिनी मैप में कि कहाँ बंदे हैं। और यहाँ पर आप माइक वगैरह का, स्पीकर का जो भी है, ये सब ऑप्शन देख सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अच्छा किया है कि गेम को TPP रखा है, क्योंकि इंडिया में फिलहाल तो भाई TPP की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, FPP इतना नहीं चलता है। हालांकि FPP में गेम रन कराना थोड़ा सा ईजी रहता है, बट ठीक है TPP में काफ़ी अच्छी चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ना क्या है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम चल रहा था, मुझे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा, कैमरा को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो बीच में मेरे को थोड़ा सा सेट करना पड़ा था। उसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पर मैं मारता हूँ, अभी तो मेरे कैरेक्टर्स अनलॉक नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर पहले मैं सेटिंग में जाकर अपना देख सेंसिटिविटी पूरी कर देता हूँ, लगभग पूरी कर देता हूँ, थोड़ी बहुत रह जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हुई थी अभी मैंने सेट नहीं करी है, बाद में मैं खेलूँगा थोड़ा सेट करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था गेम, मैंने सोचा था जस्ट वीडियो बनाने के लिए एक आध मैं खेलूँगा,
लेकिन गेम मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि भैया मैंने 4-5 मैच खेल लिए थे, लेकिन यार वो हो नहीं रहा था अभी, जो प्लेयर्स रियल प्लेयर्स मिलते हैं मैच मेकिंग हो नहीं रही थी। तो AI के साथ खेले, AI भी बहुत पेला है अभी, तो आदत नहीं है, लेकिन आदत हो जाने दो फिर मज़ा आएगा, और रियल प्लेयर मिलेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर इसमें स्मोक वगैरह भी है, तो स्मोक इसका कैसा है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वैसे अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी गन्स, बहुत सारी चीज़ें, एडिशनल चीज़ें भी ऐड होंगी। तो अभी तो जस्ट बीटा में है, टेस्टिंग में चल रहा है, अर्ली एक्सेस में, अभी जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब देखना है, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है शायद ये गेम काफ़ी अच्छा कर सकता है, मतलब यार एकदम अब इंडिया का जैसे पहला गेम है, तो पहले में तो यार इतना टॉप का आप सोचोगे टॉप बनना तो वो गेम तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा फर्स्ट चांस में ही काफ़ी अच्छा गेम बनाया है यहाँ पर इंडिया वालों ने। तो यहाँ पर अभी मैंने ये स्मोक वाला हाथ में पकड़ लिया है, थोड़ा सा अभी मैं फेंकता हूँ, यहाँ फेंक दिया है मैंने, और उसके बाद देखते हैं कैसा। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, एक्चुअली दिखाई नहीं देता है कि मैंने फेंका कहाँ है, पता नहीं हवा में अटक जाता क्या होता है। ये देख सकते हो आप स्मोक है इसका, एक बार मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा, टाइमिंग भी अच्छा है, काफ़ी देर तक रहता है और काफ़ी वाइट थोड़ा सा ज़्यादा है और बिल्कुल दिखाई नहीं देता है स्मोक में, ठीक ठाक लगा मुझे स्मोक भी। अभी मैंने चेक नहीं किया तो हो सकता है इसमें ग्रेनेड वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके ट्रेलर वगैरह में भी दिखाया गया था, तो देखते हैं वो भी मैं अनलॉक करता हूँ और लगाता हूँ, फिर पूरा सेट करके कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने सही फेंका था और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग जैसे ही होगा और ये स्मोक स्टार्ट हो गया, ऐसा लगता है जैसे हवा में स्टार्ट हो गया, नीचे बोतल वोतल दिखाई नहीं देती। मैप वगैरह भी शायद अभी एक ही है यहाँ पर, और खैर एक ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, बहुत अच्छा मैप बनाया गया है, छोटा सा मैप है और दिक्कत नहीं आएगी। तो बताना अगर किसी ने डाउनलोड किया हो तो मुझे बताना भाई लोग, सबसे बड़ी चीज़ भाई ऑडियंस को कैसा लगा ये गेम कमेंट करके बताना, और ये मतलब इसलिए मत बताना कि ये इंडिया का है भाई तो अच्छा है अच्छा है, ऐसा नहीं, मतलब आपको जेन्युइन अपने मतलब सच्चे तरीके से बताना कि आपको वास्तव में गेम ठीक लगा या नहीं लगा। मुझे बस ऐसा लगा कि थोड़ा सा 1 GB का गेम है तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ी और चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है और भी काफ़ी कुछ हो सकता है और वो करेंगे भी। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा एक तरह से परफेक्ट गेम दिया है, कमी तो फिलहाल कोई भी नहीं रही है। ये गेम PC वगैरह में भी आ चुका है, उसमें इतना नहीं चला था, अब देखते हैं मोबाइल में कितना चलता है। शायद से इसमें बैटल पास का भी कुछ चीज़ दी गई है, रोग पास करके उस पर कुछ लिखा था। अभी अपना एक और गेम आने वाला है इंडिया का, तो मतलब इंडिया गेमिंग पे भी ध्यान दे रहा है, धड़ाधड़ गेम निकाल रहा है, अभी ये निकाल दिया, अभी अपना फौजी गेम भी आएगा और उसका तो भाई हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो देखते हैं वो इस गेम से कितना बेटर होता है। अगर भाई इससे बेकार बनाया ना तो क्या ही बनाया, मतलब यार ये गेम इतना है, अगर इससे उसको बहुत अच्छा बना दिए तो भाई साहब बहुत A1 क्वालिटी का होगा, क्योंकि यही बहुत अच्छा है। तो भाई मेरे से अब वेट नहीं हो रहा है कि इंडिया वाकई इतना अच्छा गेम बना सकता है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं जीत चुका हूँ। तो अपने कमेंट देना भाई कैसा लगा है आपको गेम, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।